बन गया और फिलहाल तो और भी क्वांटिटी में इसने बनाया है, तो वो आज नहीं बनाएगी, कल बनाएगी ना, कल सुबह। कल सुबह में। तो कल सुबह में हो सकता है मुझे लंच में इडली मिले, बट मेरे ऑफिस में बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे सीनियर से जो उनको पसंद लगता है ये सब, तो वो उनके लिए भी लेकर जाऊंगा फिलहाल ये इडली। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए, और साथ में मेरी वाइफ जो है अभी वो नाश्ता बना ही रही है, मतलब मेरा लंच बना रही है। और आज मैं ऑन टाइम हूँ, ये भी ऑन टाइम है कि इसको मतलब लेट नहीं हुआ लंच बनाने में, और इसके चेहरे पे जैसा कि आप देख रहे हो खुशी है क्योंकि ये ऑन टाइम है। तो ऑन टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, जल्दी करो। इसे हर दिन लेट होता है, सो के उठेगी लेट, सब चीज़ लेट करेगी। तो फिलहाल जल्दी से मैं रेडी हो, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, शूज़ पहन लेता हूँ, उसके बाद निकलने की तैयारी करता हूँ कि लंच पैक कर देगी। और दिखाता हूँ रोड पे कि आज धूप है या नहीं, मुझे तो लग रहा है धूप नहीं है शायद, तो निकलते हैं पहले ऑफिस के लिए। और आप क्या करोगे आप पुष्पा जी? डांस करेंगे। आज डांस करोगे आप? पढ़ाई कौन करेगा? अच्छा, आप करेंगे। मैं पढ़ाई नहीं करने वाला, आपको पढ़ाई करना है। देख रहे मेरे पास क्या है। सॉरी, चलो तो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है, जल्दी करो। तो मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, और ये अभी तक लंच नहीं ला रही है मेरा, जल्दी ला दो प्लीज। तो बाहर अभी जो है जैसा कि देख रहे हो धूप भी आ चुका है, अब इसी अभी तक सो रहा है। तो चलते हैं पहले जल्दी से ऑफिस, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, लेट हो जाऊंगा। चलो तो मिलते हैं रास्ते पे। तो अभी धूप नहीं निकला, मैं दिखाता हूँ फिलहाल बाहर, और ये है गुड़गांव। अभी तो फिलहाल रात में बारिश हुआ है, तो गुड़गांव में रात में बारिश हुई है। जय सियाराम। धूप तो निकल चुका है लेकिन बारिश अभी हुआ है रात को, तो इस वजह से अभी ऐसा मौसम किया हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं पहले मेन रोड पे। तो यह है मेन रोड, और कल बारिश हुआ है तो रोड पूरा गीला है, और साथ में जगह जगह पानी भी भर गया है, तो मुझे आज साइड से जाना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हो कि इसमें पानी भी पूरा भर गया है। आ गए हैं ऑफिस, जल्दी से पंच इन पंच आउट कर लेते हैं पहले। तो चलते हैं पहले ऑफिस में काम करते हैं फिलहाल, और देखते हैं लंच में क्या लिखा है आपको। तो फाइनली मेरा लंच हो चुका है, और अभी आया हूँ टी चाय पीने के लिए, क्योंकि सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, गला भी खराब है, तो पहले चाय पी लेते हैं। हो चुका है, मैं जा रहा हूँ घर, मेरा तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कोल्ड हो रखा है थोड़ा थोड़ा, और मेरा गला भी फंस रहा है थोड़ा, तो मैं निकल रहा हूँ घर। अभी तो फिलहाल मीटिंग हुआ था, मीटिंग में कुछ खास नहीं था, तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और बाहर का जो मौसम है वो भी थोड़ा आज मतलब ठंड है, क्योंकि कल रात को यहाँ पे गुड़गांव में बारिश हुआ है, और कभी बादल किया तो थोड़ा ठंड भी बढ़ रहा है। तो मैं निकलता हूँ घर, और अभी मैं बैठा हूँ रवि सर के कैबिन में, तो निकलता हूँ घर के लिए। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ अभी ऑफिस से, अभी घर जा रहा हूँ, और ठंड तो बढ़ चुका है, बारिश भी हो रहा था शाम में। तो दिखाता हूँ फिलहाल बाहर का लोकेशन। तो ये है बाहर का व्यू, और ये रही MBH बिल्डिंग, और आज ट्रैफिक भी तो नहीं है। फिलहाल मैं जल्दी निकल चुका हूँ इसलिए ट्रैफिक भी नहीं है आज। ये रहा MBH, और जल्दी से मैं पहले रूट क्रॉस कर जाता हूँ। चुका हूँ अभी अपनी बिल्डिंग के सोसाइटी पे, और थक गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। पुष्पा गेट खोलेगी यहाँ पे, ये रही पुष्पा, हाय। तो पहले जल्दी से मैं जूता खोल लेता हूँ। तो अभी तो ऑफिस से मैं आया हूँ, थोड़ा चेंज नहीं किया था, ऐसे लेट गया था, थका थकान लग रहा था मुझे, तो मुझे तो कुछ खाने का मन कर रहा था, कुछ भूख लगा था। तो फिलहाल पुष्पा जी मेरे लिए बना रही है आज इडली, जो शाम का ब्रेकफास्ट होगा मेरे लिए फिलहाल अभी, तो ये इडली बना रही है। तो इसने ऑलमोस्ट सारा तैयारी कर लिया जैसा कि आप देख रहे हो, और ये पानी भी गर्म हो चुका है, तो देखिए ये क्या कर रही है अभी फिलहाल। 3 ट्रे जो है अभी इडली बना रही है फिलहाल ये यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो।
वैसे आज इडली बनाने का आइडिया कहाँ से आया? आपको भूख लगा था ना, तो वहीं से आया। और आई थिंक हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये लगता है कि आप पूरा दिन बैठ के घर पे सिर्फ खाना बनाते हो, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी चल रहा है फिलहाल, ये तैयारी कर रही है एग्ज़ाम का अभी पुष्पा, तो ये शाम को जब मैं आता हूँ तो इसी बहाने इसको कुछ बनाने का मौका मिल जाता है और साथ में फिर हम दोनों मिलकर खाना भी बना लेते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्टली अपना खाना खाने के बाद फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और सुबह का जाता हुआ तो सुबह में पता नहीं दिन में क्या बनाती है क्या नहीं, लेकिन मेरे लिए नहीं रखती है दोपहर का खाना, बिकॉज मैं आता हूँ शाम को तो मेरे लिए गर्म गर्म खाना ही खिलाती है मुझे ये, तो बहुत ही स्वीट वाइफ है मेरी, बहुत ही स्वीट है ना, गर्म खाना खिलाते स्वीट है। थोड़ा सा पागल है लेकिन ठीक है चलेगा, कोई नहीं, गर्म खाना खिलाती है मेरे को, पागल है तो नहीं, ये पागल नहीं है मेरी, स्वीट सी भी है, स्वीट सी जैसे कि आप पागल है, स्वीट सी गरम से खाना खिलाते तुम पागल है, नहीं स्वीट सी भी है, स्वीट सी आपसे बात ही करने के लिए नहीं नहीं ऐसे कि कौन बोला पागल, ऐसा नहीं बोलते हैं, गंदी बात नहीं, नहीं गलत बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाती है फिलहाल, आप लोग देखते होंगे ऑलमोस्ट, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। और ये आज इडली बना रही है, तो जिसे भी खाना है तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उनको भी इडली खिलाएंगे, क्यों खिलाओगे ना, एकदम खिलाएंगे, बैटर बना के रखे तो चलो जब तक मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और देखते हैं कब तक टाइम लगता है बनने में, फिलहाल 10 मिनट, तो 10 मिनट में ये मुझे इडली खिलाएगी तो मैं 10 मिनट में रेडी हो जाता हूँ फ्रेश होके, ठीक है। तो ये पुष्पा जी ने अभी ऑलमोस्ट बना दिया है इडली और मैं दिखाता हूँ कैसा है, तो ये बन गया हमारा इडली जो मेरी वाइफ ने बनाया, और सच में दूर से ही लग रहा है देखने से कितना स्पंची बना है, तो ये इसे निकाल रही है, सही में बहुत स्पंची बना है, बनाया तो पहले से बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, और देखिए हम लोग का कितना अच्छा बना है दोस्तों दोस्तों हमारा इडली बन गया दोस्तों, अभी और बनाना है क्या इसमें, तो ये हमारा है इडली। मैं तो ऑफिस से घर आया, भूख भी लगा था मुझे, कुछ कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो आज वाइफ ने मेरी पुष्पा जी ने बनाया है इडली और मुझे बहुत ही पसंद भी है वैसे भी, तो पता नहीं इसका आइडिया कैसे आया ये, मतलब कि यहाँ इडली बनाने का, तो पूछते हैं तो फिलहाल कैसे आइडिया आया ये इडली बनाने का। मैंने पहले ही एक दिन पहले ही चावल फूलने दिया था, तो इन्होंने कहा कि मुझे इडली खाना है तो मैंने बना दिया। तो क्या क्या इसमें डाला है वैसे? इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं डाला है, इसमें मैंने डाला है 3 रेशियो 1/1 चावल और 1/1 उसका उड़द का दाल और थोड़ा सा चूड़ा इसमें मैंने डाला है। इडली बन गया और फिलहाल तो और भी क्वांटिटी में इसने बनाया है, तो वो आज नहीं बनाएगी, कल बनाएगी ना, कल सुबह में, तो कल सुबह में हो सकता है मुझे लंच में इडली मिले, बट मेरे ऑफिस में बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे सीनियर्स है जो उनको पसंद लगता है ये सब, तो उनके लिए भी लेकर जाऊंगा फिलहाल ये इडली। और जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्पंची बना है, पानी में भी बहुत अच्छा है, बहुत ही चमी है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच, वेलकम। मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, सच में है, थोड़ा पागल है चलेगा लेकिन ठीक है, फिर से आपने मुझे नहीं, सॉरी, तो मैं इससे पहले खाता हूँ, पागल बोलेंगे ना खाने नहीं देंगे। दोस्तों शाम के रास्ते में अभी वाइफ ने बनाया था इडली और ये है ड्रमस्टिक की सब्जी जो वाइफ ने बनाया था, तो अभी हम चावल के साथ इसे खाने वाले हैं, लेकिन मैंने इडली के साथ ही खाने का जिद किया कि मुझे इडली के साथ तो सांभर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो वाइफ ने बनाया अभी, बहुत ही टेस्टी ये, हम इसे बैठ के खा रहे हैं, थैंक यू सो मच, और ये रहा ड्रमस्टिक, बहुत ही टेस्टी है सच बताऊँ तो, बहुत यार ये इडली आप जैसा देख रहे होगे ना, ये इडली इतना ज़्यादा स्पॉन्जी है कि कोई भी ग्रेवी अगर इसमें लगा रहा हो ना तो ग्रेवी बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत टेस्टी है, आपका खाना भी बन चुका है और अभी क्या क्या बनाई है मैं दिखाता हूँ, तो क्या क्या बनाया है, ये दाल है और क्या है, चावल बनाया है और वही सब्जी है ना ड्रम स्टिक की, सूटी की सब्जी है, तो पहले जल्दी से निकाल लेते हैं खाना हम लोग और बैठते हैं खाने के लिए, खाना निकल चुका है जैसा कि आपने देखा अभी खाना, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जल्दी से पहले खाना खा लेते हैं, पुष्पा जी भी बैठ चुकी है खाना खाने के लिए, तो जल्दी से पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही खाना अच्छा टेस्टी है, मस्त मस्त खाना है,
खाने के बाद हम लोग देखते हैं कि यार क्यों मस्त मस्त खाना है। तो पहले खाना खा लेते हैं। ये है पुष्पा जी जो कि खाना बनाई है आज और इडली बनाई थी। थैंक यू सो मच, वेलकम। वेलकम बोल रही है। खराब बना हुआ खाना तो फिर इसे मैं खिलाऊंगा पूरा का पूरा। तो पहले खाना खा लेते हैं। तो मेरा तो खाना हो चुका है रात का और मैं खा के हाथ धो लिया। पुष्पा जी अभी जो है खाना खा ही रही है फिलहाल। अभी तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा बुक को थोड़ा स्टडी करने वाला हूँ और थोड़ा वीडियो एडिट करूंगा। उसके बाद फिर थोड़ा देखता हूँ, कुछ अगर देखना हो तो देख भी लूंगा यूट्यूब पे। जब तक ये बर्तन ना धो ले। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सियाराम। अभी तक आ रही है।